नमस्कार, मैं तबस्सुम परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। मोलनापुर में बाल भोज, 500 से ज्यादा बच्चे हुए शामिल। बेलथरा रोड बलिया स्थानीय तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मोलनापुर में लक्ष्मी पूजन समारोह और मूर्ति विसर्जन के बाद अगले दिन विधानसभा बेलथरा रोड विधायक हंसूराम के प्रतिनिधि राज बहादुर यादव ने 500 से ज्यादा बच्चों के लिए बाल भोज का आयोजन कराया। लेकिन गलत काम के साथ मैं कभी नहीं रहता हूं और न पैरवी करता हूं, न उसकी कोई सिफारिश करता हूं। और जो बालिकाओं में मैं देख रहा हूं, इन बालकों में देख रहा हूं, यह उत्साह बतलाता है कि यही इस देश के भविष्य है जो देश का एक नया सृजन कर सकते हैं। और इस उत्साह के साथ मैं एक बात जरूर कहूंगा कि शिक्षा पर जरूर ध्यान देना। शिक्षा जब रहेगा तो एक परिवार अगर शिक्षित होता है तो कई परिवार को शिक्षित करता है। और बिना शिक्षा के जैसे बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, अंधकार हो जाता है, वैसे समाज में अंधकार छा जाता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है साथियों। और मैं एक बात और कहूंगा कि नशा का भी मैं विरोधी हूं। नशा नहीं होना चाहिए, इससे भी समाज और परिवार दोनों दूषित होता है, दोनों का नाश होता है, नुकसान होता है। श्री यादव ने बताया कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ आस्था के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। जिस तरह घरों में रात्रि के समय बिजली चले जाने के बाद अंधकार छा जाता है, उसी तरह शिक्षा नहीं होने से उस परिवार में हमेशा अंधकार छाया रहता है। शिक्षा दीप रूपी से ही अज्ञानता का अंधेरा छटेगा। समाज और परिवार को नशा मुक्त होना चाहिए, नहीं तो उस परिवार में हमेशा दुखी जीवन देखने को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। नशा मुक्त रहने की जरूरत है, तभी परिवार का विकास और समाज में सम्मान मिलेगा। इस अवसर पर नव युवक मंगल दल लक्ष्मी पूजन समिति के प्रबंधक राजेश राजभर, बेचू प्रसाद, दिलीप, अध्यक्ष चंदन राजभर, अनिल, उपाध्यक्ष रोशन, गंगाफल, सतेंद्र, सदस्य अंगद शर्मा, रोहित, गौरव, अभिषेक, सौरभ, जितेंद्र, सोनू, रामविलास, जगदीश, देवेंद्र, राजा, गुंजेश, अन्नू, अंकित, मोनू, मनीष व कार्यक्रम संयोजक इमरान उर्फ गुड्डू अंसारी, राजेश मदेशिया, दीनानाथ राजभर, शिवलाल, वीर बहादुर, संचालन रणजीत सिंह ने किया। भारत मीडिया के लिए बेलथरा रोड से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।